कनाडा से सिर्फ 5,000 रुपए लेकर भारत आई थी नूरा, आज डांसिंग की दुनिया में रखती है अलग ऑरा। दिलकश मुस्कान, ग्लैमरस अंदाज और साथ में जबरदस्त डांस का तड़का, अपने फैंस के दिलों पर अदाओं की छुरियां कैसे चलानी है ये हुनर नूरा फतेही बखूबी जानती है। आज यानी 6 फरवरी को नूरा 29 साल की हो गई है। कैनेडियन ब्यूटी के बर्थडे पर उनके फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। अपने फैंस के दिलों पर अदाओं की छुरियां कैसे चलानी है ये हुनर नूरा फतेही बखूबी जानती है। आज यानी 6 फरवरी को नूरा 29 साल की हो गई है। कैनेडियन ब्यूटी के बर्थडे पर उनके फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। नूरा का बर्थडे उनके साथ साथ उनके फैंस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नूरा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो बॉलीवुड की डांस क्वीन कहलाती है। सोशल मीडिया पर भी नूरा की तगड़ी फॉलोइंग है। हालांकि ये दौलत और शोहरत नूरा को आसानी से नहीं मिली है। नूरा की सक्सेस के पीछे छिपा है उनका जबरदस्त स्ट्रगल। 6 फरवरी 1992 को कनाडा में जन्मी नूरा मोरक्कन फैमिली से है। बचपन से ही नूरा को डांस का शौक था। हालांकि उनकी फैमिली, खास तौर से उनके पिता, उनके डांस के सख्त खिलाफ थे। एक रियलिटी शो में नूरा ने खुद ये खुलासा किया था कि कैसे वो परिवार से छुप छुप कर डांस किया करती थी। कई बार पकड़े जाने पर नूरा की पिटाई भी होती थी। हालांकि बावजूद इसके डांस का जुनून कम नहीं हुआ और फिर एक दिन दिल से देसी ये विदेशी ब्यूटी ऑस्ट्रेलिया से मुंबई चली आई। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज एक गाने के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की फीस चार्ज करने वाली नूरा जब ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आई तब उनकी जेब में महज 5,000 रुपए थे। अपने स्ट्रगलिंग डेज में नूरा ने एक कॉफी शॉप में काम किया। इसके बाद उन्हें एक टेलीकॉलर की जॉब मिली जिसमें वो लॉटरी का टिकट बेचने का काम किया करती थी। इसी दौरान नूरा को मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिलने लगे। नूरा की मंजिल थी बॉलीवुड, जिसके लिए उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। बॉलीवुड में नूरा ने अपनी करियर की शुरुआत साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ सुंदरवन से की। हालांकि इससे नूरा को कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला। इसी बीच नूरा ने कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 9 में भी बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अपनी किस्मत आजमाई और सिर्फ 26 दिन में वो शो से आउट हो गई। 2016 में डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में नूरा ने अपने जबरदस्त डांस का जलवा दिखाया था। हालांकि जिस सफलता का इंतजार नूरा को था वो सफलता उन्हें मिली साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते के डांस नंबर दिलबर से। दिलबर सॉन्ग में नूरा ने कुछ इस तरह से अपने हुस्न और हुनर का तड़का लगाया कि वो इंडस्ट्री में दिलबर गर्ल के नाम से पहचानी जाने लगी, जिसके बाद नूरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक डांस नंबर्स देकर वो अब डांस क्वीन बन चुकी है। हाल ही में नूरा का एक गाना भी लॉन्च हुआ है जिसे फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।